अब मेरे पीछे की तस्वीरें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ अमन अपनाने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरें हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे और अमन अपनाने की अपील जरूर करेंगे, लेकिन अब पूरा मामला जान लेते हैं। बलौदाबाजार में अब शांति है और ये राहत की बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वहां हिंसा हुई उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। कानून को अपने हिसाब से काम करना है और कानून काम कर भी रही है। मामले में बेवजह राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, ना सत्ता पक्ष की ओर से और ना ही विपक्ष की ओर से। हमारा ये आग्रह भी है आज, और आज हम गुरु घासीदास के संदेशों और समाज के लिए उनके काम की भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे गुरु ने अमन की राह दिखाई थी। अगर आप दर्शक भी बलौदा बाजार की घटना को लेकर कोई अमन का संदेश देना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 8178999182। हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और देखिए, जिस तरह से ये पूरी हिंसा का मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो स्थिति वहाँ पर पैदा हुई वो काफ़ी आक्रामक हो गई, वो काफ़ी हिंसाजनक हो गई। लेकिन एक तरफ जो सतनामी समाज है वो गुरु घासीदास के जो पंथ है, पथ को मानता है और उसी पथ के हिसाब से चलता है जो काफ़ी शांत स्वभाव का है, लोगों के बीच सौहार्द पैदा करने का है, लोगों के बीच हिंसा नहीं करने का वो पथ है। और ऐसे में इसी बीच जब ये हिंसा बलौदा बाजार में हुई, मामले में काफ़ी राजनीति हुई, काफ़ी तूल पकड़ा, और ऐसे में अब शांति अपनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अजय चंद्राकर इतिहासकार हैं और आरपी भदपहरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वहीं सतनामी समाज आचार्य कमलेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंडित जी, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि पूरा मामला आखिर क्या कुछ, किस तरह से हिंसा भड़की, क्या कुछ यहाँ पर राजनीति देखने को मिली और कार्रवाई क्या कुछ। देखिए, ये मामला लगभग 15 दिनों से चल रहा है, और जो जैसा कि पहले भी हमने दिखाते रहे हैं कि जैद खाम को कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। जैद खाम जो है वो सतनामी समाज का भगवान की तरह उनको पूजते हैं, और एक मूर्ति जैसे जिसके हिंदू समाज में हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, वैसे ही जैद खाम उतना ही महत्वपूर्ण और काफी महत्वपूर्ण चीज है सतनामी समाज के हिसाब से। तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से ये पूरा विवाद बढ़ता गया। और हालांकि पुलिस ने दावा किया कि जो लोग उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो उसी समाज के लोग थे और उनका कुछ तर्क अपना अलग था उसको नुकसान पहुंचाने की वजह से। लेकिन समाज के लोगों का ये कहना था कि जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है, उनके समाज का कोई व्यक्ति जैद खाम के साथ ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता, ऐसी कृत्य कर ही नहीं सकता है। तो इस बात को लेकर 10 जून को एक आंदोलन आंदोलन बुलाया गया सतनामी समाज द्वारा, और उस आंदोलन में जो विपक्ष की पार्टी है उसके भी 3 विधायक जो है वो शामिल हुए। वहां की जो स्थानीय विधायक है कविता प्राण लहरे, वो भिलाई नगर के विधायक हैं देवेंद्र यादव वो, और इसके अलावा पूर्व मंत्री रहे हैं और महापरी का भी वो विधायक नहीं है, चुनाव हार चुके हैं, रुद्र गुरु जो उस समाज से भी और घासीदास के वंशज भी माने जाते हैं, ये कांग्रेस नेता है, तीनों लोग शामिल हुए थे। उस बैठक के बाद जो भी कुछ बातचीत हुई, लेकिन उस बैठक के बाद एक मामला ज्यादा गर्माया और जो आंदोलनकारी थे उनमें से कई लोग हिंसक हो गए, और कलेक्ट्रेट में जाके फिर जो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं वो चीजें हुई। उसके बाद अब एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया है, प्रशासन की ओर से शांति वार्ता बुलाई गई है, मुख्यमंत्री खुद समाज के प्रमुखों से बातचीत किए हैं, गृह मंत्री बात किए हैं, न्यायिक जांच की बात इस मामले में पहले ही की जा चुकी है, और अब तक लगभग 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, नामजद एफआईआर भी हुआ है 40 लोगों के खिलाफ, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक्शन मोड में तो पुलिस प्रशासन है ही, तो कुल यही है कि उस घटना के बाद से अब जो है ज्यादा चौकबंदी भी की जा रही है, और बड़ा बड़ी कार्रवाई करते हुए कल देर रात में एसपी और कलेक्टर को भी बदल दिया गया है। अस्मिता, बिल्कुल, तो यहाँ पर अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, 15 दिनों तक ये मामला चलता रहा, हालांकि अब इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। आचार्य जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, और क्योंकि सतनामी समाज की यहाँ पर बात की जा रही है, सतनामी समाज जो कि गुरु घासीदास के सप्त सिद्धांतों पर चलता है, ऐसे में उन सिद्धांतों को हम जानेंगे कि आखिर क्या है गुरु घासीदास के सप्त सिद्धांत।
दरअसल हमारा जो देश रहा है, हमारी जो संस्कृति रही है, बहुत ज्यादा शांति की बात करती है। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं। और जिस भी समाज में, जो भी समाज का नाम आ रहा है यहाँ आगे चल करके, सतनामी समाज हो या और कोई भी समाज हो, तो सबके एक अपने गुरु हैं, सबके अपने भगवान हैं, सबके देवता हैं, और बिल्कुल सबका एक बहुत कड़ा संदेश है कि हमको शांति की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, हमको कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। हमारे लिए जो भी नियम कायदे कानून है, उनके अंतर्गत कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति स्वयं निर्णय करने लगेगा, तो फिर शासन प्रशासन की हमें आवश्यकता क्या होगी? अगर किसी को कहीं कोई भी चीज की आपत्ति है, तो वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनके सामने जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। यदि हम सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ते हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी से आग्रह करते हैं कि हम लोग, जब हम कोई भी ऐसा कृत्य करेंगे कि अमानवीय होगा या नियम के विरुद्ध होगा, तो वो हमारे जो गॉड है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो देवता है, हमारे जो गुरु हैं, उनको जाएगा कि वो किस तरह का हमको संस्कार देते हैं, किस तरह की परिपाटी देते हैं, तो वो हमारे उस संस्कृति में वो बदनाम होंगे। बिल्कुल इसीलिए मैं उन सभी सुनामी समाज ही नहीं, कब सभी मानवीय समाज का हम सबका सम्मान करते हैं, और सबसे हम निवेदन करेंगे कि बहुत ही शांति प्रिय बलौदा बाजार की जो संस्कृति रही है, बलौदा बाजार जो ऐसा शहर है जो हमेशा से बहुत ही शांति प्रिय रहा है, बहुत कोऑपरेटिव रहा है, बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा है, तो जिस तरह यहाँ माहौल खराब किया गया, ये बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि बिल्कुल फिर से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी शहर में ना हो। आज हम लोग उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम हो गई है, यहाँ अभी फिर से नई सरकार बनी है, और इनका प्रशासन, शासन प्रशासन का सतत प्रयास है कि ये और अच्छी सेवाएं दें। लेकिन हम आम जनमानस का भी सहयोग होना बहुत अपेक्षित है, तभी यह संभव हो पाएगा। जी कहीं ना कहीं ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम जो आम जनमानस हैं, हमारा सहयोग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम आम लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस तरह से जो एक पथ सोचा गया है, उस पथ पर हम नहीं चल पाएंगे। अजय जी, आपके और आना चाहूँगी, क्योंकि अब शांति की बात सतनामी समाज कहता है, ऐसे में अब गुरु घासीदास के अगर हम इतिहास को समझें, तो क्या कुछ। देखिए दुबे दुबे जी, भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा हुआ है, अनंत अनंत सितारे। उन्हीं सितारों में से एक धूमकेतु की तरह, ध्रुव तारा की तरह चमकते हुए छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी रहे। और गिरोदपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर महाराजी करके जगह है, वहां छाता पहाड़ है। उस छाता पहाड़ में उन्हें बोध हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था। अब गुरु घासीदास जी कहते थे, मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान है। वो सत्य की बात करते थे, वो प्रकृति की बात करते थे कि हम उतना ही प्रोडक्शन करें जितना आवश्यक है, प्रकृति के विनाश या पर्यावरण को हम खराब ना करें। और भाईचारा शांति की बात, ध्वजा जो उनका है सफेद, वो शांति का प्रतीक है। और वो मूर्ति पूजा के उपासक नहीं रहे, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे। लेकिन मूल बात यह है कि इस तरह के उनके अनुयायियों के द्वारा जिस तरह का हिंसा किया गया, या किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, और धर्म के नाम पर इस तरह से हिंसा फैले, तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष है, समय समय पर छत्तीसगढ़ में दुबे मैडम जी, एक और सतनामी समाज के द्वारा कांड हुआ था, वो था गुरुवैन डबरी कांड, बैजा कापा कांड, केस्तरा कांड, पांडा तरई कांड। तो इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो एक तरफ गुरु जी घासीदास जी का अमर संदेश है, सत्य है, अहिंसा है, भाईचारा है, तो उनके अनुयायी कैसे इस तरह से, जो देखिए एक तालुका को जला देना। अब प्रश्न ये आता है, इसके पीछे उनका पक्ष अगर सुने, तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो 3 लोग अप्रवासी श्रमिक थे दुबे जी।
बिल्कुल आप इस अजय समय जी, किस लेकिन जिस तरह तरह की से हम बातें आ रही इतिहास को समझना चाह रहे थे, क्योंकि जी सतनामी जी समाज एक ऐसा समाज है जो बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव है और किसी तरह के पूजा का अनुयायी नहीं करता है, लेकिन अगर हम उनके इतिहास को समझें तो कैसे वो संघर्ष रहा, कैसे वो समाज में एक शांति शुरू करने की कोशिश की गई, इस इतिहास को हम समझना चाहते हैं अजय जी। जी बिल्कुल। देखिए जब महाराजी के छाता पहाड़ में गुरु जी को बोध हुआ और उस बोध में ऐसा कहा गया कि छत्तीसगढ़ का बुद्ध भी कहा गया, और एक्चुअली ये रैदास जो रहे, रैदास के बड़े बड़े शिष्य रहे और उन्हीं के पथ पर चलते हुए गुरु घासीदास जी अपना इम्पैक्ट छोड़े। निश्चित रूप से उस जमाने में ये गांधी जी के पहले के, और उसके गांधी जी तो सत्य अहिंसा की बात किए ही, मैं ये नहीं कहता कि सत्य और अहिंसा किसी का पेटेंट है, ये सनातन धर्म में सत्य के ऊपर, चाहे आप हमारे 18 पुराणों की बात कर लें, उपनिषदों बिल्कुल, की बात हमेशा कर से ही लें, चारों सत्य वेद की के बात साथ कर लें, चलने की बात कही और जाती है, बिल्कुल शांत बिल्कुल बिल्कुल भाव के साथ ही, जी बिना जी हिंसा के लेकिन ये समाज सत्य में और एक अहिंसा की बात अच्छा की है। शांत समाज यहाँ पर बनाने की कोशिश हमेशा से की गई गुरु घासीदास जी दुबे की मैडम तरफ जी, इसमें से। दो लाइन और चर्चा कहना लगातार हम चाहूंगा। जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए अब दिखाते हैं कि बलौदाबाजार में जहाँ हिंसा हुई वहां से ये रिपोर्ट। हुई आगजनी की घटना के बाद जो घटना है उसको लेकर के उच्च स्तरीय टीम आ चुकी है, लगातार जांच की जा रही है। आईएएस की टीम जो है सिद्धार्थ कुमार परदेसी के साथ में यहां पर आई हुई है और लगातार जांच कर रही है, देख रहे हैं वो कि किस तरह से आगजनी की घटना में नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जिस जगह पे अभी इस वक्त हम खड़े हैं ये आबकारी विभाग का कार्यालय है, और जो पीछे में आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है, और जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं कि वो अपने जो दस्तावेज जल गए हैं उसको, उसके अलावा जो बचे हुए दस्तावेज हैं उसको किस तरीके से निकाला जाए। और इसके अलावा हम पीछे में देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो जो हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और लगातार जो घटना हुई है उसको लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जो है जिले के प्रभारी सचिव हैं और उनके द्वारा लगातार इस को लेकर के कलेक्टर के साथ में बैठक की गई है, और बैठक के बाद अब वो पूरे जो कलेक्टर परिसर है उसका निरीक्षण करके देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और उसकी उसको किस तरीके से मरम्मत कराना है। पीडब्ल्यूडी सहित अन्य जो निर्माण विभाग के लोग हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं, उनके साथ में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और इस वक्त जो टीम है वो पूरे नुकसान का जो किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं या किस तरीके से मेंटेनेंस किया जा सकता है इसको लेकर के देख रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी के बाद जो घटना हुई है वो किस तरीके से हुई है। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा ऐसे करके दिखाएंगे कि ये किस तरीके से नुकसान हुआ है। आपको हम दिखला देना चाहेंगे कि एक तरह से पूरा जो जितना दस्तावेज था सब जल गया है, और ये जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में जो आपका विभाग का कार्यालय है वहां का ये सीन है, और देख सकते हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं वो इसके निरीक्षण करने हुए यहाँ पर आ चुके हैं, और लगातार जो अधिकारी जो हैं उनके दल पहुंच रहा है और उनके द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ कुमार परदेसी और उनके साथ में डॉक्टर संजय अलंग और कलेक्टर के एल चौहान दिखाई दे रहे हैं, और ये आबकारी विभाग का कार्यालय में वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि घटना किस तरह से हुई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी टीम जो लगी हुई है उसको देख रहे हैं। तो तस्वीरें हमने दिखाई रिपोर्ट के माध्यम से कि किस तरह से वहां पर माहौल हो गया। नीलेश, माहौल काफी चिंताजनक हो गया था, अब फिलहाल शांति है, और इस शांति को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कदम, अगर सतनामी समाज के हम उन सिद्धांतों को देखें तो कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब शांति के लिए। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा अस्मिता, कि सतनामी समाज या ये वर्ग छत्तीसगढ़ में जो खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का इतिहास क्या रहा है, हम वहीं पर जहां बलौदाबाजार में ये घटना हुई है उससे महज 50 किलोमीटर के रेडियस में हम जाएंगे तो खासकर उस उन इलाकों में भी जहां घटना हुई है उधर भी आसपास वहां रामनामी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मिलते हैं। रामनामी वो पंथ है जो सतनामी समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से ही निकलकर राम को मानने का, जब उसका जो इतिहास है कि जब मंदिरों में जाने से इस वर्ग को रोका गया 1890 वगैरह की बात है, 90 से 1910 के बीच में, उस समय वहां पर एक आंदोलन छिड़ा और वो शांति आंदोलन था, और
और शांति आंदोलन ऐसा था कि मंदिरों में आप हमको जाने से रोकेंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम अपने पूरे शरीर पर राम 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 लिखवाकर एक तरह से उसको पंथ बना लिए। और एक आंदोलन जो है आज ऐसी स्थिति है, उन समाज से के जुड़े लोगों से या राम पंथ जो राम नामी है उनके लोगों की पूजा की जाती है, वो शांति प्रिय है, वो अहिंसा प्रिय है, वो सारी चीजें उनको विश्व स्तर पे उनकी पहचान बनी हुई है और एक राम पंथ के नाम से ही इनको जाना जाता है, राम नामी के नाम से जाना जाता है। ये इसी वर्ग इसी समुदाय के लोग हैं, उन्हीं में से लोग हैं और खासकर उन्हीं इलाकों में जो आज घटना जो 10 जून को हुई उन्हीं इलाकों में, उसी जिले में अविभाजित जिला जब होता उसी इलाके में रहते हैं और आज भी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पाए जाते हैं। ये इस वर्ग का इतिहास है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ज्यादा इतिहास को समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन जो चीजें हमको दिखती हैं कि ये वो वर्ग है जो हरदम से अहिंसा प्रिय रहा है। घासीदास जिनका जिक्र हम कर रहे हैं गुरुजी का, उनकी भी उनका जो भी उनका भी संदेश जो होता था कि अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलना, तो इस समाज का वो उद्देश्य रहा है और उस समाज के काफी ज्यादा लोग भी इसी तरह की बातों को मानते हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद जब सीएम के साथ समाज प्रमुखों की बैठक हुई तो उसमें भी उन्होंने यही संदेश दिया कि हमारा समाज कभी भी अशांति को नहीं पसंद करता, हमारा समाज अशांति को नहीं मानता, हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। जो भी असामाजिक तत्व इसको घटना को अंजाम दिए हैं उन पर कार्रवाई कीजिए और समाज में शांति बनी रहे इसकी व्यवस्था के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इस समाज का अपना इतिहास रहा है और शांति प्रिय समाज माना जाता है, कोई ऐसा बिल्कुल कोई समाज शांति प्रिय है। हालांकि कुछ और अहिंसा के रास्ते में चलने की बात करता है लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हो हल्ला कैसे? मुझसे है जो घटना हुई अस्मिता जी जी मुझसे ही कह रहे हैं ना जवाब के लिए जी। तो ये जो घटना हुई अस्मिता इसमें एक जो एक विश्वास वाली बात थी कि विश्वास नहीं बना पाई सरकार या प्रशासन जो थी वो उन समाज के लोगों में कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की घटना नहीं थी, लगभग 15 दिन से चीजें चलती आ रही थी, लगभग 10-15 दिन से माहौल खराब हो रहा था, बन रहा था, बिगड़ रहा था। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी फिर उसके बाद न्यायिक जांच की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन जो विश्वास बनाया जा सकता था, समाज प्रमुखों से बातचीत की जा सकती थी पहले ही, और जो धरना प्रदर्शन करने से पहले उनको रोका जा सकता था, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो थोड़ा कमजोर या विफल नजर आया, जिसका असर ये हुआ कि कुछ भीड़ में असामाजिक तत्व जो थे वो एक हिंसक माहौल में उसको तब्दील कर दिए। यही एक नतीजा रहा, बाकी सारी चीजें समाज की ओर से पहले भी शांति की बात करती की जाती रही है और अभी भी शांति की बात समाज के द्वारा की जा रही है। अस्मिता बिल्कुल आचार्य जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए शांति की बात तो बार बार कही जा रही है और इसी तरह के संदेश हमेशा से दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी अशांति देखने को मिली, 15 दिनों तक ये हो हल्ला चलता रहा। देखिए गुरु घासीदास जी के ये लोग फॉलोवर्स अपने आप को कहते हैं, इनको विचार करना चाहिए, इनको चिंतन करना चाहिए कि एक ऐसे अंतिम वर्ग का व्यक्ति ज्ञान और गुरु सत्य को हमारे बीच में समाज में एक बहुत बड़ा गिफ्ट देता है, यानी सत्य के पद पर लोगों को नाम दान देता है, जोड़ता है कि आप हमेशा सत्य का अनुपालन करें, शीलता का अनुपालन करें, सदाचार का अनुपालन करें, शिष्टाचार का अनुपालन करें, सभ्यता का अनुपालन करें, संस्कृति का अनुपालन करें। और साथ में हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ एक 36 प्रकार की विशिष्ट कलाओं को सजो करके रखता है और ऐसे गुरु समाज को बहुत कुछ देते हैं। इसमें अराजक तत्वों ने प्रवेश किया है, इसको इस एंगल से भी प्रशासन को देखना चाहिए कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग जो राजनीतिक रोटी सेकने का षड्यंत्र कुत्सित प्रयास तो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, कई लोगों की जाने जा सकती थी। जिस प्रकार से आगजनी हुई है, जिस प्रकार से उपद्रव हुआ है, ये कतई मानव को अपने हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। हमारा संविधान इतनी छूट नहीं देता है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, चाहे जितने दिनों से ये बातें चलती आ रही हो, हर बात का एक ही व्यवस्था है, एक ही नजरिया है कि हम बातचीत से विषय को सुलझाएं और हम कानून के पास जाएं, शासन प्रशासन के पास जाएं, लेकिन खुद ऐसा ना करें। हम तो उन गुरु को प्रणाम करते हैं और हमारे पास सतनामी समाज के कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत सभ्य हैं, बहुत समझदार हैं
और इसमें कुछ लोग हैं जो षड्यंत्रकारी प्रवेश किए हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे आग्रह करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने राज्य का, अपने प्रदेश का, अपने जिला का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम बदनाम ना करें। इसको दुनिया देखती है। आप सब चैनल के माध्यम से हम शांति की अपील बिल्कुल करते हैं कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रहें, प्रशासन पर विश्वास रखें, प्रशासन को सहयोग करें। हमारे सहयोग के बिना प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम अलग अलग भागेंगे तो ये और ज्यादा व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। तो हमको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए बिल्कुल और अपने जिस जाति धर्म संप्रदाय समाज से हम आते हैं, ये देखें कि हम जो कुछ भी करेंगे हमारे गुरु बदनाम होंगे। तो हम कम से कम अपने गुरु की लाज रखने के लिए ऐसा गुरु की कृत्य लाज ना रखनी करें, चाहिए हम और साथ ही साथ करें। जो अपने व्यवस्था अपने जो ईमान की भी नुकसान लाज हुआ है रखनी ये चाहिए भरपाई ताकि हम कल को हम अपने आप से आंखें मिला सकें और इस तरह से समाज में जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो माहौल खराब किया जा रहा है उसको लेकर सोचें तो लगे कि आखिर हमने ये क्या किया, ऐसे में ऐसा कार्य ही ना करें। आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया आचार्य जी। अजय जी आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि सत्य अहिंसा शांति हर एक धर्म इसी पर टिका हुआ है, सतनामी समाज भी इसी पर टिका हुआ है। यहाँ पर अब सतनामी समाज किस तरह से इन अच्छाइयों को लेकर चल रहा है और इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी इतना बड़ा हंगामा। बिल्कुल अस्मिता जी, नीलेश जी बहुत बढ़िया बात बोले कि सतनामी समाज एक्चुअली तीन वर्गों में बटा है, एक रामनामी, दूसरा सूर्यवंशी और तीसरा सतनामी समाज जो गुरु घासीदास जी के अनुयायी है। तो मूल प्रश्न यह है कि निश्चित रूप से प्रशासन को अभी और सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम की मैं जो घटना का जिक्र किया गुरुवैन डबरी बहजा कापा गांव, वहां भी इसी तरह की आगजनी की घटनाएं घटी थी। 34 लोगों की जान चली गई थी, उस गांव को जला दिया गया था। ये मुंगेली के पास है वो गांव, मैं उस फील्ड में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया। दूसरी बात है कि इस तरह कांड ऐसी हुआ था। तो देखिए, धर्म के नाम पर अगर लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से उस धर्म के कई पीढ़ी के बाद जो अनुयायी लोग हैं वो उस धर्म गुरु के संदेश के साथ शायद उतना अदब या वफा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर शांति प्रमुख बात है और प्रशासन को काफी यहाँ पर पूर्व की घटनाओं को देखते हुए, वह आचार्य जी को याद होगा कि जब केवर भूषण जी सांसद थे पांडा तराई में गोलीकांड हो गया था इसी पर्पस में, मंदिर प्रवेश के मसले के ऊपर। हमारे छत्तीसगढ़ के एक और संत पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, उनका जो जीवन रहा है उसमें वो जो जनेऊ वाला जो बात हुई थी, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन ये क्या है अस्मिता जी, अभी जहां से ईश्वर साहू साजा से विधायक हैं और बेमेतरा में भी इस तरह की कुछ उपद्रवी तत्व सर उठा रहे हैं, तो इसलिए प्रशासन सचेत हो जाए। बिल्कुल, प्रशासन सचेत यहाँ पर अब आगे लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है और कार्रवाई के तहत एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक और रिपोर्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना को। बलौदा बाजार में प्रदर्शन के नाम पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेना शुरू कर दी है। अब तक 74 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। 40 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है। 7 FIR दर्ज हुए हैं अब तक। लगातार पुलिस जो आरोपी हैं या उत्पात मचाने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस के द्वारा 10 टीमें बनाई गई हैं, ऐसा पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार का कहना है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार के पुलिस लाइन में इस वक्त हम मौजूद हैं और अजाक थाना के सामने खड़े हैं और इसी अजाक थाने में जो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है उन्हें यहीं ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि इस साइड में जो पुलिस लाइन की व्यवस्था है, पुलिस लाइन में भर भर के जो पुलिस बल तैनात किए गए हैं और यहाँ पर जो उनकी गाड़ियां हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से कितने लोग मौजूद होंगे पुलिस बल के तरफ से। क्योंकि जब कल जब इस जो घटना हुई उसमें पुलिस की फेलियर और इंटेलिजेंस की फेलियर की बात सामने आई थी और पुलिस बल की कमी की बात जब निकल के आई थी, तो उसके बाद आज जो मौके पर स्थिति है वह यह बता रही है कि जो बल है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित कर दी गई है और अब वो किसी भी तरीके से जो होने वाली हिंसा है या किसी भी तरीके से आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। ये भी बता दें कि जो जिला प्रशासन के तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, साइबर की टीम लगी हुई है और साथ ही सीसीटीवी जो फुटेज के माध्यम से जो
सीसीटीवी, क्योंकि जो तोड़ दिए गए हैं रोड में लगी हुई सीसीटीवी को तोड़ दिए गए, तो तोड़ने से पहले कौन लोगों ने तोड़ा है उस पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही भीम क्रांति वीर और भीम आर्मी की बात निकल करके आई है कि उनके लोग इसमें शामिल थे, तो उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस दोनों संगठनों पर बैन लगाने की बात जब एसएसपी से की गई तो उन्होंने इस बयान से बचते नजर आए, उस पर बयान देने से वो बच गए। अब देखने की बात होगी कि क्या कुछ जो इस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है, या सिर्फ ढाके पात की तरह ये सिर्फ कोरी बातें बस रहेंगी, यह भी देखने की बात होगी। एनडीटीवी के लिए बड़ौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो आखिर अब आने वाले समय में और क्या कुछ रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। नीलेश शांति की बात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब शांति के लिए क्या क्या प्रयास अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो चाहे वो समाज की तरफ से हो। देखिए, प्रशासन शासन की ओर से तो लगातार समाज प्रमुखों से बातचीत की जा रही है और समाज प्रमुख भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमारे समाज के लोग बिल्कुल भी ऐसा, जो समाज को मानने वाले लोग हैं, जो घासीदास को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर कोई उपद्रवी तत्व है, चाहे जिस भी वर्ग के हों चाहे जिस भी समाज के हों, तो वो उपद्रवी है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है उससे। जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए समाज तैयार है। और समाज प्रमुख जो है लगातार संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे समाज में बिल्कुल भी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती, हमारे यहाँ तो अहिंसा और सद्भाव की बात की जाती है और उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा समाज भी सतनामी समाज इसलिए ही कहा जाता है। और इसके अलावा अब शासन प्रशासन की ओर से लगातार बैठकों का दौर है, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एक और चीज एड ऑन करूंगा कि उसमें यह भी कहा गया है कि जो नुकसान सरकारी संपत्ति को हुआ है उसकी भरपाई भी उन्हीं जिम्मेदारों से की जाएगी जिनकी वजह से, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया या जिनकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं, उस पर भी जांच चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में और क्या एक्शन होते हैं, समाज प्रमुख के द्वारा किस तरह से अपने समाज के लोगों को मना लिया जाता है, सरकार शासन द्वारा किस तरह से उनको विश्वास में ले लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। उस घटना के बाद से कोई और घटना या कोई और बैठकें इस तरह की कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है। समाज में पूरी तरह से जो इलाका है उधर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी अस्मिता, बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा। शांति की जो बात बार बार कही जा रही है, शांति किस तरह से बरकरार रहती है, समाज के लोग आखिर और क्या कदम उठाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए, अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए। और यही उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद हमारे सभी दर्शक ये बात समझ पाए होंगे कि शांति और अहिंसा के राह पर न सिर्फ सतनामी समाज बल्कि हर एक धर्म टिका हुआ है और इसी के राह पर आगे बढ़ भी रहा है। तो ये हमें भी आगे बढ़ाना है, एक हमारा दायित्व है इसको आगे बढ़ाने का, वो हमें पूरा करना है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।